Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Ahmed Raza. Today I want to talk about something very important, something we all experience on daily basis. The problem is, Pakistan mein sabko importance chahiye, Pakistan mein sabko respect chahiye, and we use our ranks, our links, our money, our posts, our professions to manipulate people to gain that respect. For example, hamara chalan hota hai, hamari gaadi kisi ke saath lagti hai, हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी इंस्टीट्यूशन से अप्रूव करवानी है, हम बताएंगे कि हम फलां ओहदे पे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर इसलिए नहीं बनते कि लोगों की खिदमत की जा सके, बल्कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हमें डॉक्टर बनाती हैं, हमें वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास एक ब्रांड नेम आ जाए और उस ब्रांड नेम को यूज करते हुए हम मुआशरे में इज्जत मजीद ले लें। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ओनली द टैग ऑफ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ बैंकर और अ प्रेस पर्सनल कैन गिव अस दैट रिस्पेक्ट जो कि एक आम बंदे के पास नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट नोबडी वांट्स टू लिव लाइक अ कॉमन मैन। आई एम नॉट अगेंस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर और बिकमिंग एन इंजीनियर और ऑप्टिंग फॉर एनी अदर नोबल प्रोफेशन in Pakistan, but the point is you become that doctor for other reasons, because you want to consider yourself exempted from any conviction of law, from any rule or regulation in Pakistan. Matlab zaruri nahi hai ki aapko police wala ishara todne pe roke to aap ye bataye ki ji main ek doctor hu ya main ji press mein kaam karta hu, main falan bande ka beta hu ya falan बंदा मेरा रिश्तेदार है, फलां पुलिस ऑफिसर मेरा रिश्तेदार है। व्हाई डोंट यू जस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक लाइक अ कॉमन मैन। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक आम बंदे को वो ब्रांड इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिली जो कि एक सीएसएस ऑफिसर, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को मिलती है। व्हाई कांट वी ऑल लिव लाइक अ कॉमन मैन। हमारे मुल्क में और बाकी मुल्कों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि दे गिव इम्पोर्टेंस टू अ कॉमन मैन एंड दे कंसिडर ऑल प्रोफेशंस इक्वल। वहां पर एक आर्किटेक्ट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, एक टीचर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, एक बिजनेसमैन की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी एक डॉक्टर की है। हम लोग एक डॉक्टर को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे देते हैं और बाकी प्रोफेशंस को उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? 90% लोगों की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, जो कि रियलिटी है। मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर इसीलिए बनाया था क्योंकि ट्रेंड था, क्योंकि ट्रॉफी जैसे अब आप खरीदते हैं फिर आपकी मुआशरे में इज्जत होती है। आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ डॉक्टर इफ इट मेक्स मी लुक डाउन अपॉन पीपल ऑफ अदर प्रोफेशन। सेम इज द केस विद इंजीनियर्स, सेम इज द केस विद एनी सीएसएस ऑफिसर। नो ऑफेंस टू एनी इंजीनियर और डॉक्टर, बिकॉज देर आर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी थ्रू देयर प्रोफेशन। बट ये जो फैक्टर है कि हम अपना रैंक बता के अपने लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये इंप्रेशन देते हैं कि हाँ यार हम आम इंसान नहीं है। भाई आम इंसान होने में मसला क्या है? ये जिब्रान नसर वाला जो वाक्य है, वीआईपी कल्चर, ये गाड़ी जा रही है हमारी और वहां पर एक कॉन्वॉय आ गया है किसी असर रसूख वाले बंदे का, उसने आपको गंदी खा के साइड पे कर दिया, ये बहुत आम से इंसिडेंट है जो कि रोज सड़कों पर हमारे सामने होते हैं। मेरे सामने दफा हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी को कहने की जाए कि भाई आप मुझे गंदे खा के सेट क्यों कर रहे हो, मैंने भी उसी लाइन में चलना जिस लाइन में आपके अफसर ने चलना। दो सो द पॉइंट इज कि वी शुड गिव दैट ब्रांड इम्पोर्टेंस टू अ कॉमन मैन। लिव लाइक अ कॉमन मैन एंड हैव प्राइड इन लिविंग लाइक अ कॉमन मैन प्लीज, बिकॉज अदरवाइज यू आर ओनली एग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। ये क्लास डिवाइड जितनी भी हमारे मुआशरे में आपको नजर आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं, ये तभी खत्म होगी जब हम लोग हर प्रोफेशन को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे और प्रोफेशंस को एज प्रोफेशंस देखेंगे और इंसान को एज एन इंसान देखेंगे। हम किसी पीएन के लिए, हम किसी ऑफिस बॉय के लिए भी उतनी ही उसको इंपॉर्टेंस देंगे जितनी हम एक डॉक्टर को देते हैं। हमें जो सेंस ऑफ स्ट्रगल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो सेंस ऑफ स्ट्रगल किसी भी प्रोफेशन की डायरेक्शन में हो सकती है। वो सेंस ऑफ स्ट्रगल आप एज अ स्टूडेंट आप मेहनत कर रहे हैं, आप उस इज्जत के लायक हैं। अगर आप एज अ पुलिस ऑफिसर सड़क पे खड़े होके अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी हॉस्पिटल में बैठे हुए एक डॉक्टर की जो कि सिंसियरली अपना काम कर रहा है उसकी है। इसी तरह एक टीचर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट शुड कम आउट ऑफ योर कैरेक्टर,
not your professional tag, not your office rank or your money or your influence over the public. You must uphold the supremacy of a common man, and its due importance must be appreciated and given to every common man that exists in this country. Because if we don't respect a common man, we will not be able to excel as a nation. Hum hi Pakistani log hote hain jo ke yahan par badi badi gaadiyon mein protocol ke sath phirte hain aur bahar jaakar wahi log sadak khud paar kar rahe hote hain, wahi log line mein lage hote hain, wahi log seat belts pehen rahe hote hain, lekin hum yahan par hame karte hue maut padti hai, seedhi si baat hai. I am myself a culprit of these kind of activities, but I really want us to realize the problem, because only if we realize the problem we can jump up to the conclusions or solutions of that. Aur end pe unke channel chalana hai, bhai ke channel ko likes bhi chahiye, shares bhi chahiye, YouTube channel ko subscriptions bhi chahiye, to please upar dekhte rahe, acha platform hai, try kare, achhi videos banayenge inshallah, dekhte rahiye upar.